पूरी दुनिया वर्चुअल दुनिया में जी रही है। तकनीकी विकास के साथ बहुत सारी सुविधाएं भी आ गई हैं। आज ऑनलाइन खरीदी को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके चलते दूर दराज के इलाकों में बनी चीजें भी आप तक पहुंच पा रही हैं। आज पूरे देश में देश के पहले वर्चुअल मॉल जो कि यूपी में है, उसकी चर्चा हो रही है। तो आइए हम देश के पहले वर्चुअल मॉल में आपको ले जाते हैं, उसकी खास बात आपको बताते हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय जो है ऑनलाइन खरीदी बिक्री काफी जो है लोगों को भाया, और उसमें आसानी भी है, सस्ता भी पड़ता है, और वो व्यक्ति जो कि बाजार तक नहीं पहुंच पाता, वो व्यक्ति अपने सामान को जो दूर दराज तक नहीं भेज पाता था, उसके लिए भी ऑनलाइन खरीदी बिक्री भी एक सुविधाजनक माध्यम के रूप में सामने आई है। देश का पहला 3D वर्चुअल मॉल लखनऊ में खुलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जहां खुलने जा रहा है 3D वर्चुअल मॉल। इस मॉल में आंधी आया तूफान, फिर भी लॉकडाउन जैसी स्थितियां बने, 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी। ध्यान रखिएगा कि दुकान खुलने का एक समय होता है, सुबह से शाम तक या देर रात तक, उसके बाद बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये वर्चुअल मॉल 24 घंटे खुले रहेगा। उत्तर प्रदेश के MSME और खादी ग्रामोद्योग विभाग ने मिलकर 3D तकनीक पर आधारित वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल खोलने की योजना तैयार की है। यह देश का पहला 3D तकनीक पर आधारित वर्चुअल मॉल होगा। MSME और खादी ग्रामोद्योग विभाग मिलकर इस मॉल को संचालित करेंगे। यह मॉल ऑनलाइन कारोबार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो 24 घंटे खुला रहेगा। क्रेता विक्रेता किसी भी समय उत्पाद की खरीदी और बिक्री कर पाएंगे, जो कि बहुत सुविधाजनक है। प्रदर्शनी में ODOP, MSME, खादी ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प के प्रोडक्ट होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार में कम से कम 500 स्टॉल होंगे। विदेशी खरीदार मॉल से अपने पसंद का उत्पाद ऑर्डर कर सकेंगे। जो व्यवस्थाएं की गई, कई बार ऐसा होता है जो दुकान जिसकी है उसी की हो जाती है, लेकिन इसमें अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वर्चुअल मॉल में किसी का एक कब्जा नहीं होगा। स्टॉलों के आवंटन में चक्री व्यवस्था लागू होगा। उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यापारी पंजीकरण के बाद मॉल बेच सकेगा। स्टॉल शिल्पकार, कारीगर, उत्पादक या निर्यातक तय समय के लिए मिलेगा। तय सीमा के बाद दूसरे कारोबारियों को मौका दिया जाएगा। मॉल में समय समय पर कारोबारी एक्टिविटी की जाएगी। उत्पादकों, निर्यातकों और कारीगरों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बहुत सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचलों में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जिनकी प्रतिभा का उस तरीके से सम्मान नहीं मिल पाता है जिस तरीके से उन्हें मिलना चाहिए। ये वर्चुअल मॉल जो है उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित उत्पाद खरीदारों को स्पष्ट तरीके से साफ नजर आएंगे। हर तरफ से प्रोडक्ट को देखा जाएगा, फोटो और वीडियो क्लियर होगा। सामान पसंद आने पर ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा। घर बैठकर PC, लैपटॉप, मोबाइल ऐप के जरिए मॉल को ब्रांडेड स्टोर से आप शॉपिंग कर पाएंगे। अब ये सवाल आता है कि क्या भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया का पहला वर्चुअल स्टोर टेस्को होम प्लस था, जो दक्षिण कोरिया में है। इस स्टोर में 500 से अधिक पॉपुलर ब्रांड के प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं। 2012 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुई थी। सबसे कम समय में डिलीवरी की खासियत है। नोएडा में 2019 में खुला डिजिटल मॉल ऑफ एशिया भारत का पहला वर्चुअल डिजिटल मॉल था। न्यू साउथ चाइना मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। यह मॉल चीन के डोंगवान में है। इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। भारत में भी वर्चुअल शॉपिंग की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश में जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन्हें भी एक अच्छा अवसर और अच्छा दाम मिल पाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।